नहीं ला रही हूं। <laughs> वो सूखा वाला खा रहा है आप खा के बताओ कैसा हो रहा है कैसा बना है और घेवर घेवर थोड़ा सा से क्रंची है हां तो ना इसको वो नहीं डाला चाशनी डाली है लेकिन इसको थोड़ा सा रखते हैं अभी मैं आपके लिए डाल के ले आई तुरंत से अच्छा चाशनी डाली है हाँ। चाशनी ना चाशनी के मीठा कैसे होगा वो हो? ज्यादा अच्छा लग रहा है उसे मार्केट वाले से टाटा और बे हो मुझे, मुझे भी मुझे भी मुझे भी। मीठा तो नहीं हो रहा बहुत तेज ठीक है ना कहीं मीठा नहीं है हम्म मार्बल वाला बहुत बेस्ट बेस्ट मुझे मार्बल वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हम्म तो ये बहुत टेस्टी है भई घेवर तो बन गया था और थोड़ा सा टाइम भी लग गया था आ, कि ये सारी चीज़ें जो है बनाते बनाते क्योंकि मैंने दो चीज़ें बनाई थी एक तो मैंने घेवर बनाया था और एक मैंने बनाया था शाही टुकड़ा तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई मैं लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम जब कभी बनाऊँगी ना तो ज़रूर शेयर करूँगी अब आ, मिठाई तो बन गई थी लेकिन उसके बाद जो मेरे किचन की हालत थी और मेरी हालत थी वो हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब क्योंकि एक तो ना मुझे जैसे घेवर वगैरह में टाइम लगता है और मैं खड़े खड़े काम कर रही थी और अगर आप बैठ के ये सारी चीज़ें करते हो ना तो फिर भी ईजी रहता है लेकिन हमारी गैस ऐसी है ये हॉब कि हम इसको निकाल के नीचे नहीं रख सकते हैं तो मुझे जो है खड़े खड़े ही किचन में काम करना होता और आप यकीन मानिए मैं दोपहर में साढ़े तीन बजे से लग गई थी इस काम को करने के लिए और मुझे रात के ग्यारह बज गए थे सारी चीज़ें समेटते समेटते लेकिन हाँ दोपहर में मैंने एक चीज़ अच्छी की थी कि लंच में ना मैंने दाल सब्ज़ी चावल सब कुछ बना दिया था तो फिर मुझे रात को खाने की प्रॉब्लम नहीं हुई बनाने की क्योंकि सब्ज़ी भी रखी हुई थी दाल भी रखी हुई थी बस थोड़ी बहुत रोटियाँ मुझे बनानी थी तो वो मैंने बना ली थी तो वहाँ पर वो काम मेरा थोड़ा सा हल्का था अब क्योंकि इतना तेल का काम हुआ है किचन में तो किचन हो गई थी बिल्कुल चिकनी तो मैं यहाँ पर जो है ना वही जैसे मैं किचन क्लीन करती ही हूँ तो वैसे मैं लिक्विड से करती हूँ लेकिन आज लिक्विड भी ख़त्म हो गया था तो मैंने साबुन से ही जो है इसको अच्छे से गैस को क्लीन कर दिया है पूरा काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया था हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो तो जी आज है रक्षाबंधन तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सुबह का वक्त है और मैं आई हूँ अभी नाश्ता बनाने के लिए तो अब वैसे तो जब तक बहने भाइयों को राखी नहीं बांधती है तब तक नाश्ता नहीं करते हैं मतलब कुछ खाते नहीं है लेकिन बच्चे छोटे हैं तो वो नहीं रह पाएंगे भूखे क्योंकि आज जो रक्षाबंधन है वो डेढ़ बजे से शुरू है तो डेढ़ बजे से शुरू है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा बच्चे तो अभी सोके नहीं उठे दोनों मैं कब से दोनों को उठा रही हूँ कि उठ जाओ दोनों में से कोई सोके नहीं उठाए लेकिन मैं यहाँ पर जो है कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी फिलहाल मैं बना रही हूँ आलू के पराठे तो मैंने पूछा था बच्चों को पूरी वगैरह खाने के लिए तो बच्चों ने भी मना कर दिया बच्चों के पापा ने भी मना कर दिया बोला नहीं पूरी ऊरी नहीं बनानी है सिंपल सा जो है ना आलू के पराठे जो है वो बना दें तो फिलहाल तो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ उसके बाद दोपहर में लंच बनाऊँगी और साथ में मुझे खीर भी बनानी है तो कहते हैं कि रक्षाबंधन में खीर जरूर बनानी चाहिए और बहनों को अपने हाथ से भाइयों को खीर खिलानी चाहिए ताकि मतलब भाई के जीवन में आने वाले सारे कष्ट जो है वो ख़त्म हो जाए ऐसा बोलते हैं तो खीर बनाऊंगी मैं लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है वो डेढ़ बजे के लिए ही बनेगी तो फिलहाल तो मैं जो है यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि वंजिका के पापा बिल्कुल नहा धो के रेडी है और मैं भी नहा धो के रेडी हूँ नाश्ता बनाऊंगी घर का कुछ काम नहीं हुआ है फिर आराम से तसली से जो है ना घर के सारे काम करूंगी और फिर बाद में रेडी होंगी रक्षाबंधन के लिए क्योंकि डेढ़ बजे का टाइम है तो अभी काफी ज्यादा टाइम है ज्यादा बातें नहीं करते पहले फटाफट से जो है नाश्ता बना लेते हैं बच्चों को उठाती हूँ ये नहा धो लेंगे तब तक और उसके बाद में आप लोग उससे मिलती हूँ वहाँ पर अभी मैं जो है सबके लिए पराठे बना दूंगी लेकिन हुआ ये कि जैसे ही मैंने पराठे की शुरुआत की तो दोनों बच्चों ने मना कर दिया उन्होंने ये सुन लिया था अभी जब मैं आपको बता रही थी ना कि जब तक भाई बहन राखी नहीं बांधते एक दूसरे को तब तक वो खाना नहीं खाते उन दोनों ने भी वही बोला कि ममा अब हम नहीं खाएंगे जब तक हम एक दूसरे के राखी ना बांधे मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा ज़िद्द भी की कि खा लो तुम लोग नहीं रुक पाओगे इतनी ज़्यादा देर बट दोनों में से किसी ने नहीं माना तो यहाँ पर बस मैं अभी वंशिका के पापा के लिए पराठे बना दूँगी और उसके बाद फिर मुझे घर के सारे काम भी करने थे जबकि मैंने घर की क्लीनिंग अभी स्टार्ट भी नहीं की थी तो मेरा ये था कि पहले नाश्ते का काम हो जाए उसके बाद जो है मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी तो बस ज़्यादा पराठे तो मुझे बनाने नहीं थे दो तीन पराठे मैंने जल्दी जल्दी से बनाए और एक तरफ मैंने एक किलो दूध जो है वो भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था क्योंकि मुझे जो है खीर बनानी है तो वो मैं अभी थोड़ा सा रुक कर बनाऊँगी तो एक बार नाश्ते के बाद पूरी किचन वगैरह क्लीन होगी फिर बाकी का जो लंच बनेगा वो अच्छे से साफ़ सुथरी किचन में मैं बनाने वाली हूँ तो नाश्ता बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम पे और आज मुझे करनी है यहाँ की बेडशीट चेंज तो सबसे पहले तो ये ब्लैंकेट्स जो है इनको फोल्ड कर लेते हैं उसके बाद यहाँ की बेडशीट मैं चेंज करूँगी तो अच्छा लगता है वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ दो तीन दिन में लेकिन त्यौहार के दिन तो ज़रूर करती हूँ तो थोड़ा सा मन को एकदम ताजगी मिल जाती है ना जैसे ही बेडशीट वग़ैरह चेंज कर दो तो यही है कि जितना घर साफ़ सुथरा रहता है उतना ही जो है मन को तसल्ली रहती है तो ये वाली बेडशीट जो है हटाऊंगी मैं और आज ये फिटिंग वाली बेडशीट नहीं लगाऊंगी ये मैंने तीन मंगवाई थी तो आज काफ़ी दिनों बाद ये मेरी पुरानी वाली बेडशीट का नंबर आ गया है ये वह से मैंने मीशो से वो तीन बेडशीट मंगवाई थी ना तो मैं मतलब बदल बदल कर उनको ही बिछाती थी, थी फिर मैंने कहा नहीं आज जो है ना मैं दूसरी वाली बेडशीट जो है बिछाती हूँ ये पुरानी वाली है लिए हुए उसे काफ़ी टाइम हो गया मतलब दो साल हो गए हैं लेकिन ये बेडशीट बहुत अच्छी निकली मेरी कॉटन है एकदम सॉफ्ट वाला कॉटन होता है ना वो उसके बाद मैंने जल्दी से लगाई पूरे घर में झाड़ू और पूरे घर में पोछा लगाया फिर जल्दी से क्योंकि टाइम वही है ना बताई जा रहा था और आज खाने में मुझे जो है ना सबकी फरमाइश का जो है ध्यान रखना था तो खाने में भी मुझे दो तीन चीज़ें बनानी थी इस वजह से तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने घर की सफाई करी और इतनी देर में वंशिका नहा के आ गई थी और वंशिका ने आज पहना है सूट तो मैंने इसके लिए ये मीशो से ऑर्डर किया था और एकदम इसकी फिटिंग का आया और ये पिंक कलर का सूट इस पे लग भी बहुत प्यारा रहा था तो जैसे मैंने आपको बताया ही था आपने पहले वाले व्लॉग देखे होंगे जिसमें वंशिका उस दिन डिसाइड करी थी कि उसको तो रक्षाबंधन में क्या क्या पहनना है तो वो सारी चीजें ना अपनी यहाँ पर निकाल के बैठ गई थी तो सबसे पहले मैं वंशिका के बस बाल बना दूंगी और बाल बाल बनाने के बाद थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी आज उसका क्योंकि लड़कियों को शौक रहता ही है ना और हमारे आज तो वंशी का इतनी खुश हो रही थी सूट पहन के उसको लग रहा था कि बस आज फाइनली मेरी जो है चॉइस के कपड़े मम्मी ने मुझे पहनने दिए हैं तो ये सूट के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करती है तो मुझे यही लगता था कि इस पर सूट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम ही पहना रही थी लेकिन इस पर अच्छा लग रहा था तो बस जैसे तैसे मैंने इसकी एक हेयर स्टाइल करी जो कि मतलब इत्तेफाक से हेयर स्टाइल भी अच्छी बन गई थी फिर हल्का सा मैंने इसके फेस पे ना फेस पाउडर वगैरह लगाया थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और एक काली बिंदी लगाई छोटी सी हम भी बचपन में काजल की बिंदी लगाया करते थे काली बिंदी बहुत अच्छी लगती है ब्लैक बिंदी से जो है ना पूरा लुक चेंज हो जाता है तो बस यहाँ पर देखिए वंशिका हो चुकी है बिल्कुल रेडी पर हल्का सा इसके मैंने लिप बाम लगाया है मतलब लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ मैं तो जो टिंटेड लिप बाम होते हैं ना वो मैं इसके जो है यूज़ कर लेती हूँ वो भी कभी कभी और बस उसने अपने हाथ पे ब्रेसलेट डाल लिया था ये ब्रेसलेट उसकी मौसी ने दी थी और रिंग भी उसकी मौसी ने दी थी और बस वो हो गई है तैयार तो भाई काम वाम तो सारा निपट गया है अब मैं जाऊंगी किचन में क्योंकि मुझे लंच की तैयारी करनी है और अभी तक जो है मैं दोनों बच्चों को रेडी कर रही थी तो यहाँ पर देखिए मैंने वंशिका को तैयार कर दिया है खड़ी होके दिखा तो वंशिका के लिए मैंने ना ये सूट ऑर्डर कराया था रक्षाबंधन के लिए और आज वंशिका बड़ी प्यारी लग रही है टचवुड मेरी नज़र ना लगे मैं बार बार उसको ही देख रही हूँ मतलब मेरी नज़र ना उसी पे ही जा रही है तो यहाँ पर जो है वंशिका रेडी हो गई है और आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताना और अंदर विदांश भी रेडी है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार तो यहाँ पर वेदांश रेडी हो गया इसके लिए मैंने पिंक कलर का कुर्ता इसलिए मंगाया था ताकि ये और वंची का बिल्कुल सेम सेम लगे रक्षाबंधन के दिन तो बस ये भी रेडी है अभी जो है साढ़े बारह बज रहे हैं रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो डेढ़ बजे के बाद है तो अभी तो है एक घंटा तो मैं सोच रही हूँ कि पहले जो है ना खाना वाना तैयार कर लेती हूँ मैं उसके बाद फिर मैं भी रेडी होंगी और बच्चों की फिर राखी वगैरह बनवाएंगे फिलहाल वंशिका की बुआ की राखी नहीं पहुंची है फ़ोन तो आ गया था सुबह की पहुंचने वाली है लेकिन अभी तक आई नहीं है तो देखते हैं वो भी पहुंच जाती है तो फिर ठीक हो जाएगा मतलब सबकी राखी जो है ना एक ही साथ पहना लेंगे तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में फटाफट से पहले काम निपटा लेती हूँ को तैयार करने के बाद अब फिर से ड्यूटी लग गई है किचन में क्योंकि अब करनी है लंच की तैयारी तो सबसे पहले तो जो है मैंने खीर चढ़ा दी है क्योंकि खीर में थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा दूध की खीर नहीं बना रही हूँ मैं आज सिर्फ़ एक किलो दूध की ही खीर बनाऊँगी वैसे तो रक्षाबंधन में मम्मी तो सिवई बनाया करती थी अभी भी सिवई बनाती है लेकिन मुझे बताया गया था कि खीर बनानी चाहिए तो इसलिए मैंने जो है खीर बनाई है उधर खीर चढ़ा दी है इधर जो है विदांश की फरमाइश थी कि उसको शाही पनीर खाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर शाही पनीर बना रही हूँ सारी चीज़ें मैंने पीस ली थी मिक्सी में प्याज़ टमाटर काजू सारी चीज़ों को अच्छे से बारीक पीस लिया था बिल्कुल पेस्ट स्मूध हो गया था और घी डाला है फिर वो पेस्ट ऐड कर दिया है थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में जो ड्राई मसाले होते हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी और सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स और अब मैं इसमें थोड़ी सी जो अमूल की फ्रेश क्रीम होती है ना वो ऐड करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास मलाई नहीं थी इस टाइम पे तो वो क्रीम बची हुई भी थी तो मैंने कहा चलो आज वो यूज़ हो जाएगी और बस वो क्रीम डाल के इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि ये अच्छे से जो है पक नहीं जाता और मेरे हाथ में देख रहे होंगे आप मेहंदी का डिज़ाइन तो वो मेहंदी का डिज़ाइन कम है और वहाँ पर एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है एक्चुअली हुआ ये था कि मैं सब्ज़ी लेने गई थी तो जहाँ से मैं सब्ज़ी लेती हूँ ना उनकी बेटी ने बोला कि दीदी मैंने ना मेहंदी बनाई है मैं घर में बनाती हूँ आप लगा लो और मैंने उसको बोला भी कि मेरे को ना एलर्जी हो जाती है अगर इसमें ज़रा सा भी केमिकल होगा तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उसने बोला नहीं होगी और मैंने थोड़ा सा मतलब पैच टेस्ट करते हैं ना वो मैंने हाथ में लगवाया और मेरे को अगले दिन से ही जो उसमें खुजली हुई है एकदम स्वेलिंग हो गई थी फिर मुझे उसमें ट्यूब लगानी पड़ी थी तो इसी वजह से मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ अब इधर देखिए विदांश के लिए तो मैंने शाही पनीर बना दिया था लेकिन सबको शाही पनीर पसंद नहीं है तो बाकी लोगों के लिए मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है हींग जीरे का तड़का लगाया है उसमें एक तेज पत्ता दालचीनी और काली वाली इलायची और दो हरी इलायची ऐड की है साथ में प्याज भी ऐड किया है तो ये जितना भी खाना बन रहा है ना मतलब ये मंदिर में भोग नहीं लगेगा इसीलिए मैं इसमें लहसुन प्याज का जो है तड़का लगा रही हूँ और खीर जो है चढ़ेगी और इसके साथ ही जो मैंने घेवर वगैरह बनाया था वो ही चढ़ेगा जो मैंने घर पे बनाया है तो सारी चीज़ों को जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए थे मैंने उसमें जो है ड्राई मसाले ऐड करके भुना है और टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट जो है इसमें ऐड कर दिया है अब इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें मैं ऐड करूँगी और बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक के पकने देंगे जब तक कि ऑयल इसमें से अलग नहीं हो जाता मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर ली है उस दिन तो मार्केट में कुछ मिल ही नहीं रहा था मतलब ये मार्केट गए मटर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने ब्लिंकेट से ऑर्डर कराई थी और मटर डालने के बाद प्रेशर कुकर में तीन सीटी लगने देंगे और लास्ट में इसमें पनीर ऐड कर देंगे तो मैं बिना फ्राई किए जो है पनीर डालती हूँ इधर खीर भी ऑलमोस्ट रेडी थी तो यहाँ पर अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ और साथ में मैं इसमें चीनी डालूँगी तो बस खीर भी बन तैयार हो जाएगी रख दो यहाँ पर ही रख दे अभी ये एसी से भी हो रहा है ना टीका लगाओ वेदू थोड़ा आगे बैठ तो दिख रही है अब चावल लगाओ ढंग से अच्छे से हाँ अब आरती उतारो आराम से दूर से ही करना <laughs> दे 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 दे। <laughs> कोई बात नहीं हाँ बस अब राखी बांध दे नहीं फूल नहीं फूल नहीं फूल उसके सर पे रख दे सर पे नहीं बाद में चल कोई बात नहीं अभी राखी बांधो तो हाँ 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 वही बनाएगी चल मेरे की हाँ बांधो 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 खिलाना गर्म गई अभी थोड़ी सी बिल्कुल, फूक मार के आ आ जा। थोड़ा सा आगे, गिराना मत हम्म हम्म कैसी हो रही है अच्छी हो रही है अब दोनों खड़े हो जाओ भाई पैर तो छुएगा पहले और फिर गिफ्ट देगा छू दोनों हाथों से वंशु दोनों पैर आगे कर बेटा आप छू ढंग से हाँ ले अपनी प्यारी बहनों को गिफ्ट दे, दे।, ये बस दे। <laughs> हो गया? तो देशिका और वेदांश की राखी तो मैंने करवा दी है अभी जो है ढाई बज गए हैं, भूख गई थी बच्चों को लेकिन हमने अभी, अभी अपनी नहीं की है क्योंकि अभी भी वंशिका की राखी का वेट हो रहा है उन्होंने वहां से टाइम से तो भिजवा दी थी लेकिन यहाँ पर पहुंचने में पता नहीं क्यों लेट हो गया सुबह से उनका फोन तो आ गया था मतलब कुरियर वाले भैया का कि आएगी राखी अभी लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है तो मैं और वंशिका के पापा भी वेट करेंगे फिर जैसे ही राखी आएगी तो वंशिका अपने पापा के बांध देगी है ना okay. हाँ तो चलिए मैं आप फटाफट से जो है ना लंच तैयार कर देती हूँ वैसे तो सब कुछ जो है रेडी है मुझे बस पूरी बनानी है फटाफट से पूरी बनाती हूँ और बच्चों को जो है खाना वाना खिला देते हैं पर मैं बस अब गर्मा गर्म पूरी बना दूंगी आटा वगैरह मैंने सब कुछ गूँध के रखा था और वंशी का कहे पापा की राखी का वेट हम लोग कर रहे थे उनकी बुआ ने जो भेजी थी लेकिन राखी नहीं पहुंची किसी वजह से वो लेट हो गया कुरियर वाले को फ़ोन किया तो उसने भी फ़ोन नहीं उठाया तो मतलब बुरा तो लगता ही है ना कि राखी भी नहीं आई मतलब उस दिन क्या अभी तो अभी तक भी नहीं आई है जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मैंने ना एक एक्स्ट्रा राखी मंगवा के रखी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि राखी ना आए फिर इनका हाथ जो है सूना रह था फिर अच्छा भी नहीं लगता है तो वंशिका ने वही वाली राखी जो है अपनी बुआ के नाम की अपने पापा को बांध दी थी बाकी अब जो उनकी बुआ की राखी आएगी वो हम लोग जन्माष्टमी में फिर उसको बांधेंगे तो वंशिका की बुआ ने ही बोला था कि जन्माष्टमी में बांध लेना तुम तो लोग ये राखी तो जन्माष्टमी में ही बांधेंगे फिलहाल तो अभी भी राखी का वेट ही हो रहा है खैर यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से फिर पूरी वगैरह बना ली थी और उसके बाद मैं लगा दूंगी खाना तो आज का जो लंच था वो था ये मटर पनीर शाही पनीर रायता खीर चावल और पूरी इसी लंच थाली के साथ करते हैं वीडियो का एंड